जी, साल बाद आप वोट करने जाओगे तो आप लोग के लिए मुद्दा क्या है, जम्मू वालों के लिए क्या मुद्दा है, विकास मुद्दा है, जाति है, धर्म है, क्या है? हमारे इधर जाति जूति का कोई नहीं है सर, विकास होना चाहिए, ठीक है ना, विकास होना चाहिए। तो वोट तो हम तो मोदी को ही डालेंगे, मोदी को। कैसी आंटी, नमस्ते, आप यहीं रहती हैं? अच्छा, इसी गांव में रहती हैं? क्या गांव है, कौन सा? जबवाल। जबवाल। अच्छा, यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है, पास में। ज्यादा हाँ पास। तो लगता होगा यहाँ बॉर्डर पे? हमें नहीं डर लगता सर। नहीं, बताइए परेशानी क्या है, ये बताइए बॉर्डर के इलाके में परेशानी बताइए, आप बता दीजिए, हम दिखा देंगे। हर चीज की परेशानी है इधर सर, कोई भी चीज नहीं है अच्छी। हाँ, तो आप देखिए हमारा रास्ता, देखिए हम देख रहे हैं, वो नालियाँ खुली पड़ी है, और नाली नहीं, हम तो चल भी नहीं सकते हैं अच्छे से। रोड तो ठीक है, लेकिन नालियाँ खुली पड़ी हैं। ये नहीं, नहीं, उधर देखो अपना रोड देखो, रोड भी खराब है। दो मिनट आइए उधर, अभी आ जाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। हाँ जी, परेशानियाँ एक तो रोड की हो गई, नाली की हो गई, गाड़ी की बहुत ज्यादा परेशानी है सर। हम तो आ जाते हैं, कोई बीमार होगा, कोई प्रेगनेंट लेडीज होगी तो कैसे जाएगी त्रिपा तक? आज तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है, और ना सुनते हैं। तो हमें क्या है, ये वोट इलेक्शन 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 रोज बोलते हैं, हम क्या करेंगे इलेक्शन से, क्या करेंगे वोट देके सर? हमारी बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई नहीं समझता इस बात को। जी ने कुछ काम किया है या राहुल जी ने कुछ काम किया? आप देख लो, ये काम हुए, हमने बता दिया अपनी प्रॉब्लम, तो देख लो समस्याएं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जबवाल गांव में हम मौजूद थे और ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और ये जानने समझने की कोशिश कि बॉर्डर के इलाकों की समस्याएं क्या है, विकास कहां तक पहुंचा, चुनाव को लेकर माहौल क्या है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे और यहां की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। अरनिया के जबवाल गांव में हम मौजूद हैं और दोपहर का वक्त है, घर में हमें कुछ महिलाएं नजर आई तो हम इनसे बात करने चले आए। सवाल वही है कि 10 साल बाद आपके इलाके में चुनाव हो रहे हैं, परेशानियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है, और इस बार महिलाओं की भागीदारी चुनाव में कितनी होगी? 10 साल बाद आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, आप लोग ये बताओ खुश हो कि नहीं चुनाव से? नहीं, हम सारे एक साथ बोलो, खुश हो कि नहीं हो? सारे चुनाव होने चाहिए? अच्छा, आप ये बताओ कि बॉर्डर में अहम समस्या जानने आए हैं, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो बॉर्डर में आप लोग रहते हो, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? जीरो, मतलब 1 किलोमीटर ना। 1 किलोमीटर? हाँ। तो डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है। डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ, बहुत डर है। 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, तो अब ये बताओ आप लोग की परेशानी? जीरो पॉइंट पे हैं। परेशान है, जब गोले चलते हैं तो बहुत डर रहता है, पशु नुकसान होते हैं, बच्चे नुकसान होते हैं, बड़ों को भी लगती है गोली, डर तो रहता है। जब से ये सरकार आई, ये गोले बंद हो गए हैं। कौन सी सरकार आई? बीजेपी। अच्छा, तब से गोले बंद हो गए हैं। गोले बंद हो गए? हाँ, पहले क्या? गोले बंद हो गए तो रोजगार भी तो बंद हुआ ना, ये बात तो है ना, गोले तो बंद हुए, बच्चों का रोजगार भी बंद हुआ। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के बच्चों को रोजगार मिले, तो क्या सरकार ने 10 सालों में इस दिशा में कोई काम किया है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई काम किया आप लोगों को लगता है? कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। तो अब तो मान लो, हाँ अम्मा, कोई काम हुआ है? ना, कोई काम नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है कि घट गई है? ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ गई? ज्यादा बढ़ गई। सरकार ने कोई काम नहीं किया? जदू इंदिरा गांधी होंदी ही ना, ते साल ब साल किन्ने बच्चे भर्ती होंदे ही, जदों दा मोदी आया एक बच्चा भर्ती नहीं है। के राज में बेरोजगारी बढ़ गई। तो मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे हमारे जरिए? मोदी नु कहने आ भाई, तू बेरोजगारी जड़ी है वो थोड़ी बच्चियां नु रोजगार दे। हाँ। फिर अही तन्नू पहले मनने। हां, ठीक है नी। अच्छा, आप लोग को नेता अब कौन सा अच्छा लगता है? 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में आप लोग बॉर्डर के किनारे वाले रहने वाली महिलाएं किसकी सरकार चाहोगे? चाहे नेता, चाहे जो मर्जी, जो भी बने, मोदी बने, राहुल बने, हम कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। लेकिन बेरोजगारी, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, बच्चों को रोजगार। हाँ, रोजगारी। क्या कह रही थी आप? नहीं, मैं नेता दोनों अच्छे लगते हैं, जो भी बने हमें दोनों अच्छे लगे, दोनों अच्छे लगे। हाँ, लेकिन बॉर्डर का इलाका है, परेशानी क्या क्या है? एक तो बेरोजगारी उन्होंने बता दिया, और दिक्कतें क्या क्या हैं आप लोग को? कुछ जो सरकार की स्कीम आई थी, जैसे गैस वाली स्कीम हो गई, पेंशन वाली स्कीम हो गई, रोड हो गया, पानी हो गया, ये सब बिजली उजली मिल रही है यहाँ पे कि नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बिजली तो मिल रही है। अच्छा, परेशानियाँ क्या है? परेशानी यही बच्चों के लिए, का बिल ना बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1040 रुपये हम कैसे देंगे, मतलब कि दिहाड़ीदार बच्चे आम हैं। किस नेता पर भरोसा है, कौन आपकी समस्या को दूर करेगा? कोई नेता है ऐसा जो दूर कर सकता है, बताइए? बनेगा तो तब समस्या होगी, जो शहरी वाले ना वो नहीं आते, शहर वाले लोग यहाँ नहीं, शहर वाले आते इस समय, उन्होंने हाथ जोड़ने ना, जब हम उनके पास जाए हम उनके पाँव पड़े। अब हाथ जोड़कर वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आते क्या कहते हैं आपसे नेता? वोट दे दो,
वोट दे दो, आप क्या बोलते हो? दे देंगे, दे देंगे, लेकिन ये बताओ आप उनसे परेशानी रखते हो कि नहीं रखते हो? पूछते नहीं है, पूछते ही नहीं है, आपकी परेशानी नहीं पूछते? नहीं पूछते। क्या कहते हैं वो? खाली वोट मांगते हैं। अच्छा, एक कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपकी परेशानी हमने सुन ली। अब कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है कि धारा 370 खत्म हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको वापस आना चाहिए। आप मैं बोलती हूँ वापस आना चाहिए। अच्छा। हमारे बहुत कानून खत्म हो गया, उसको वापस आना चाहिए। तो उससे क्या हो क्या गया? हमके क्या फर्क पड़ा जो उन्होंने बंद कर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीने बोलते थे इनके नाम करवाई, किसके नाम करवाई है? अगर जमीने हमारे नाम होती ना तो हमको 2-2 हजार मिलता। जमीन तो वही की वही है, लाड मेटा है, मालकी तो हुई नहीं, और क्या मिला है? रगजार भी सब बंद हुए हैं, क्या हुआ? आप बोल रहे हैं पीओ के लेना, कहाँ से पीओ के लेना ना? वो देंगे, वो क्या देश नहीं है? कहाँ से देंगे? 10-10 लाख मांगते हैं कि हम तुम्हारा बच्चा कराएंगे, 10 लाख लेंगे। अच्छा, भर्ती कराने के लिए 10 लाख? 10 लाख लेंगे, कहाँ से देंगे भैया? जो वो पैसा मांगते हैं, कहाँ से आएगा बच्चे? अब ये तो परेशानियाँ हो गई, लेकिन ये बताइए कुछ अच्छे काम भी 10 साल में हुए हैं, कुछ अच्छा काम बताओ। अच्छा, यही हुआ, घर बनाए बस। तो देखिए, जब्वाल गांव में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बॉर्डर का इलाका है, सुरक्षा तो बड़ी है, लेकिन बेरोजगारी समेत कई ऐसे मसले हैं जिस पर महिलाएं जवाब मांगती हैं। नेता आते तो ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और इसी बात को लेकर नाराज़गी भी नज़र आ रही है। कुछ और इलाकों में कुछ और आवाज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश होगी।